हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए फीस कट पेटीकॉट की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी। देखिए, मैंने अपने चैनल पर हर तरीके की पेटीकॉट की वीडियो अपलोड किया है। अब तक मैंने ये फीस कट पेटीकॉट की वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो आज मैं आपको फीस कट पेटीकॉट बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, इस तरीके की पेटीकोट आप किसी पार्टी या फंक्शन के लिए बना सकते हैं। इसको पहनने के बाद बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लुक आता है, जैसे आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ, देखिए इसका मेजरमेंट है। इसमें हम ज़्यादा मेजरमेंट नहीं लेंगे, बस दो ही मेजरमेंट से हम पूरी कटिंग करेंगे। एक देखिए हिप की गोलाई और दूसरी पूरी लंबाई। तो ये जो मैं बना रही हूँ, देखिए इसमें हिप की गोलाई है 34 इंच और यहाँ पे लंबाई मुझे तैयार रखना है 37.5 इंच का। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इस तरीके से आप किसी भी साइज का पेटीकोट बना सकते हैं। यानी कि पहले देखिए इसी प्रकार हमें कपड़े को 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है। देख सकते हैं टोटल कपड़ा, ये देखिए 2 मीटर है, तो इस प्रकार ये 2 फोल्ड हुआ और इसको एक और फोल्ड कर देंगे ऐसे, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इसको इसी प्रकार ऐसे रखेंगे 4 फोल्ड में। तो इस साइड में ये ओपन साइड है और इधर ये फोल्डर साइड है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए, और उसके बाद यहाँ पे टोटल लंबाई का निशान लगाएंगे। तो टोटल लंबाई है 37 इंच, इसमें 1.5 इंच ऊपर का बेल्ट लगाना है। तो 1.5 इंच को देखिए ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और यहाँ पे ऐसे 37.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी लंबाई हो गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। तो ये मैंने ऐसे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए, इसको भी ऐसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए मेजरमेंट में हमने थाई लेंथ नहीं लिया है, तो अब हम यहाँ पे थाई लेंथ निकालेंगे, यानी कि थाई की लंबाई। देखिए इस प्रकार ऐसे दोनों साइड से मार्जिन छोड़ते हुए नाप लेंगे और जितना आता है इसका हाफ करते हुए निशान लगाएंगे और इससे 3 इंच ऊपर एक और निशान लगाएंगे। तो ये थाई की लंबाई हो गई। देखिए ऊपर से यहाँ से देखा जाए तो ये 15 इंच पर आया, तो इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर हिप लेंथ निकालेंगे, हिप की लंबाई। तो इस प्रकार देखिए मार्जिन को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ ऐसे नाप लेंगे और ये जितना आता है इसका हाफ करते हुए देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये हिप की लंबाई हो गई। देखिए इस निशान से हल्का सा आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर हिप राउंड का निशान लगाएंगे, यानी कि जितनी हिप की गोलाई है उसका 1/4 और प्लस 1/2 इंच लूजिंग लेंगे। तो ये मैंने बॉडी से लिया है, तो 1/2 इंच लूजिंग लेते हुए देखिए ये 9 इंच हो गया। और ये कॉटन कपड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लूजिंग दिया है। तो ये देखिए धोने के बाद चढ़ता है, तो उसके लिए मैंने 1/2 इंच और एक्स्ट्रा किया और 1/2 इंच सिलाई के लिए। यानी कि टोटल देखिए यहाँ पे ये मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यानी कि टोटल देखिए यहाँ पे ये 10 इंच आया। तो 10 इंच पर एक और निशान यहाँ पर लगा लेंगे और नीचे की तरफ भी ये जितना निशान मैंने यहाँ पर बनाया है सब पे ऐसे 10-10 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए इसे सीधा करने के बाद ये जो थाई लेंथ है यहाँ पे हमें 1.5 इंच कम करते हुए निशान लगाना है ऐसे, और यहाँ कमर के पास 1/2 इंच कम कर लेंगे और इसको देखिए ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ 4-5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसको इस प्रकार मिला लेंगे। अब देखिए जो मैंने ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाया है यहाँ तक इसको ऐसे गोलाई कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे भी कटिंग करने के लिए देखिए ये कॉर्नर बन गया है, तो हमें कॉर्नर के साथ नहीं कटिंग करना है, बिल्कुल ऐसे देखिए गोलाई में कटिंग करेंगे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे देखिए गोलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे टक्स का निशान लगाएंगे, तो ये जितना आया इसका हाफ करते हुए देखिए ऐसे एक निशान लगा लेंगे, तो यहीं पे टक्स लगेगा। और टक्स की लंबाई यहाँ पे देखिए ऐसे 5 इंच रखेंगे और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। और टक्स की लंबाई यहाँ पे देखिए ऐसे 1 इंच का रखना है, तो दोनों साइड से 1/2 इंच लेते हुए निशान लगा लेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। देख सकते हैं ये टक्स लग गया है। अब देखिए जो निशान लगाया है बिल्कुल ऐसे सेम निशान पर कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग करने के बाद इसको ऐसे उल्टा फोल्ड करते हुए इस निशान को यहाँ पे भी ऐसे लगा लेंगे।
अब देखिए ये दोनों पल्ला ऐसे एक ही में है तो इसको ऐसे कट करके अलग कर लेंगे। और देखिए ये जो टक्स है इसका निशान ऐसे इस पल्ले में भी कर लेंगे, तो इसके ऊपर ऐसे रखते हुए देखिए ये निशान ये लग गया है, तो इसको ऐसे डार्क कर लेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे ऐसे टक्स कंप्लीट कर लेंगे, तो जितना निशान लगाया है बिल्कुल ऐसे उतना ही कपड़ा पकड़ते हुए देख सकते हैं ये मैंने दोनों टक्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हैं ये टक्स लग गया है बिल्कुल उसी प्रकार। देखिए दूसरे पल्ले में भी मैंने टक्स लगा लिया है। अब देखिए दोनों पल्ले को ऐसे रख लेंगे इसका सीधा साइड अंदर करते हुए, और बिल्कुल ऐसे साइड से बराबर पकड़ते हुए देखिए इस प्रकार ऐसे पूरे में यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए इसके दूसरे साइड से यहाँ भी सिलाई करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे नारी डालने के लिए हल्का सा ओपन रखना है, तो पहले देखिए यहाँ पे ऐसे 3.5 इंच में निशान लगाऊंगी, इतना ही ऐसे ओपन रहेगा। और नीचे से भी देखिए खुला रखना है, तो ये नीचे से मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 2 इंच देखिए नीचे की तरफ ही मैंने फोल्ड करने के लिए लिया है, तो फोल्ड करने के बाद ये 9 इंच यहाँ पे ओपन रहेगा। तो 9 से 10 इंच आप रख सकते हैं। अब देखिए जितना यहाँ पे बीच में बचा है यहाँ तक ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो पहले देखिए ऐसे पक्का कर लेंगे और उसके बाद बिल्कुल निशान के ऊपर यहाँ तक सिलाई करेंगे जहाँ तक निशान है, और यहाँ भी देखिए ऐसे पक्का कर लेंगे। और इस सिलाई पे देखिए दोनों साइड में आपको ऐसे पहले डबल सिलाई कर लेना है, और डबल सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 इंच लिया था एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, तो 1/2 इंच कपड़े को देखिए ऐसे फोल्ड करूँगी, और उसके बाद देखिए यहाँ किनारे से लगभग 1 पॉइंट अंदर के साइड में करते हुए इसके ऊपर देखिए ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। अब देखिए मशीन को ऐसे घुमाते हुए दूसरे साइड में भी फोल्ड करेंगे ऐसे। तो देखिए कमर के साइड में फोल्ड हो गया। अब देखिए घेरे के साइड में भी यहाँ पे फोल्ड करना है, तो बिल्कुल देखिए ऐसे उतना ही कपड़ा यानी कि लगभग 1/2 इंच ही कपड़ा ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं कमर के साइड में फोल्ड हो गया। अब देखिए घेरे के साइड में फोल्ड करेंगे, तो बिल्कुल उतना ही कपड़ा यानी कि लगभग 1/2 इंच ही देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ऐसे निशान लगा लेंगे पहले, और उसके बाद इस साइड से भी देखिए मार्जिन को अंदर के साइड में करते हुए इस प्रकार पूरे में किनारे किनारे सिलाई करेंगे। अब देखिए मशीन को फिर से ऐसे घुमाते हुए दूसरे साइड में भी उसी प्रकार फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए जैसे दोनों साइड में फोल्ड कर लिया है, अब देखिए यहाँ पे कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे देखिए कमर पट्टी कटिंग नहीं किया है, तो पहले यहाँ पे हम कमर पट्टी कटिंग करेंगे। तो ये जो साइड से बचा हुआ कपड़ा है इसी में से देखिए इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए 1.5 इंच चौड़ी हमें कमर पट्टी ज्वाइंट करना है, तो 1.5 इंच का डबल ये 3 इंच होगा, और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखते हुए देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे, यानी कि ऐसे देखिए 4 इंच पे पूरे में निशान लगाएंगे, और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और यहीं से ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कमर की चौड़ाई ऐसे नाप लेंगे, और ये जितना आता है मार्जिन को छोड़ते हुए देखिए इस साइड से मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे, तो ये मेरा 16 इंच आया। तो 16 इंच देखिए हम लंबाई की ऐसे कमर पट्टी कटिंग करेंगे, तो 16 इंच और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा देते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो एक तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 इंच फोल्ड करने के लिए लिया है, तो इसको ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए कमर पट्टी को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, तो पेटीकोट की उल्टे साइड की तरफ देखिए बेल्ट पट्टी का ऐसे उल्टा साइड ऊपर करते हुए रखेंगे, और बिल्कुल इस प्रकार देखिए ऐसे पूरी गोलाई में पकड़ते हुए यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं पूरे में मैंने सिलाई लगा लिया है। अब देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए कमर पट्टी को सीधा करने पर ये जो सिलाई मार्जिन है सीधे साइड की तरफ आ गया है। तो पहले देखिए यहाँ पे कमर पट्टी से 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद फिर से इसको ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ये जितना सिलाई मार्जिन है देखिए इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे ऐसे दबाते हुए पूरे में किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे।
और उसके बाद देखिए इससे 1 फुट ऊपर एक और सिलाई कर लेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं कमर पट्टी इसमें ज्वाइंट हो गया है। अब देखिए नीचे की तरफ ये जितना एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने 2 इंच लिया था, तो देखिए 2 इंच ही ऐसे कपड़ा पकड़ते हुए पहले देखिए ऐसे चुनट बनाते हुए हाथों से पकड़ लेंगे ताकि एक बराबर फोल्ड हो, नीचे से कम ज़्यादा ना हो। ऐसे फोल्ड कर देने से यहाँ पे निशान बन जाता है तो सिलाई करते समय आपको आसानी होगी। यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे 2 इंच मैंने फोल्ड किया है तो इसमें से 1 इंच अंदर के साइड में ऐसे कर लूँगी और 1 इंच चौड़ाई की पट्टी हम यहाँ पे ऐसे तैयार कर लेंगे। तो देखिए गोलाई के पास हल्का सा यहाँ पे ऐसे चुनट बना देना है आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा कपड़ा ऐसे लूज पड़ने लगता है। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे पूरा फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते समय जब कभी भी ये लूज पड़ने लगे ऐसे देखिए गोलाई के पास तो वहाँ पे हल्का सा ऐसे चुनट बना देना है। तो पूरा देखिए फोल्ड हो गया। अब देखिए इससे 1 फुट नीचे इसके ऊपर एक और सिलाई कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए जितनी आपने फोल्ड करने के लिए कपड़ा लिया है बिल्कुल उतना ही ऐसे कपड़ा आपको अंदर के साइड में फोल्ड कर लेना है। अब देखिए ये नारा तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़ा कटिंग किया है, तो इसकी चौड़ाई देखिए मैंने 100 इंच लिया है। तो इसको देखिए ऐसे दोनों साइड से पहले 2-2 पॉइंट ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसको ऐसे बीचों बीच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर देखिए ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं पूरा नारा मैंने तैयार कर लिया है और ये पेटीकोट भी बनके तैयार हो गया है। तो नीचे से इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आया है। तो इस प्रकार आप बनाइए और ट्राई कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।